टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 5 लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में आज हमारे पास प्रॉपर्टी है इसकी बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एक्सटर्नल प्रेशर, तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मैं लेता हूं एक कंटेनर, इस कंटेनर में मेरे पास है लिक्विड। जब हम इसको हीट देते हैं तो हीट के साथ मॉलिक्यूल, लिक्विड मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि जो बॉटम के मॉलिक्यूल है उसकी काइनेटिक एनर्जी लो होती है, जो सेंटर के मॉलिक्यूल है उसकी काइनेटिक एनर्जी एवरेज होती है, और जो टॉप के मॉलिक्यूल है उसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। तो जब हम टेम्परेचर देते हैं तो मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। रिजल्ट में व्हाट हैपन, यहां पे सरफेस से वेपर्स निकलते हैं जिसको हम कहते हैं एवापोरेशन। ये वेपर एटमॉस्फेयर में जाते हैं, यहां पे एटमॉस्फेयर में एयर मॉलिक्यूल के साथ मिक्स हो जाते हैं। सो फिर ये प्रेशर अप्लाई करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जब वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। नाउ जब हीट हम देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, रिजल्ट में यहां पे सरफेस पे बबल्स बन जाते हैं। वो बबल्स बिकम बर्स्ट और वो वेपर्स में जो है तब्दील हो जाते हैं और दे एस्केप इनटू एटमॉस्फेयर। तो यहां पे जब हम टेम्परेचर नोट कर ले तो हमारे पास होगा बॉइलिंग पॉइंट। अभी कौन कौन से फैक्टर्स हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट? सो द फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड का क्या मतलब है कि लिक्विड पोलर है या नॉन पोलर है, इसमें कौन से इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर लिक्विड्स की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉन पोलर लिक्विड की। द सेकंड वन इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, जितना इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पर वाटर हम लेते हैं H2O, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सी है, और दूसरे साइड पे इथाइल अल्कोहल लेते हैं, इथाइल अल्कोहल जिसकी 78.3 डिग्री सी है। नाउ वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्कोहल। तीसरा फैक्टर, द थर्ड वन इज एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर। जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। अगर हम ओपन कंटेनर ले ले तो ओपन कंटेनर में जो है पार्टिकल्स, जो सरफेस मॉलिक्यूल्स है, वेपर्स, वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, वो एयर मॉलिक्यूल के साथ मिक्स हो जाते हैं। लेकिन जब हम इस पे ढक्कन रखते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है जल्दी जो है ये आता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर ले तो जब हम टॉप पे जाते हैं, हिली एरिया में, चतराल पे जाते हैं, दूसरे जगहों पे जाते हैं, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कम होता है, इसी वजह से वाटर बॉयल बिलो 100 डिग्री सी और एंड इट लॉन्गर टाइम टू कुक। किसी चीज को हम पकाते हैं तो वो ज्यादा टाइम लेता है। इसका हम लेते हैं प्रेशर कुकर, तो प्रेशर कुकर पे जो है जो भी हम चीज पकाते हैं तो जो है जल्दी हम वो रिजल्ट अचीव करते हैं। सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट बॉइलिंग पॉइंट? द फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ लिक्विड, द सेकंड वन इज इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, एंड द थर्ड वन इज एक्सटर्नल प्रेशर। जो ही हम एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। सो दिस इज अबाउट बॉइलिंग पॉइंट।